बीएमसीर हॉस्टल छाड़ नोटिस को नहीं बढ़ुच्छे असंतोष निया राजरास्ता को ओल्लाई उत्कल यूनिवर्सिटी छात्र छात्री जहाक नहीं उत्कल विश्वविद्यालय छात्र छात्री धारणा देखते विश्वविद्यालय मुख्य फाटक सम्मुखें धारणा देखते छात्र छात्री बीएमसीर हॉस्टल खाली करने निर्देश को तीव्र विरोध कर निर्देशनामा तुरंत प्रत्याहार करने दावी कोरोना आलरे शिक्षानुष्ठान बंद नक दावी में ओडि बसी छात्र छात्री तेज संपर्कित अधिक सूचना आम सहित सीधासख जोड़ी होती आम प्रतिनिधि चिन्मय साहू जोड़ी होती चिन्मय आउ किसी अपडेट आसूची कि आउ कौन ताजा चित्र आसूच निहाती भाव में चिन्मय आम जो कहवा बीएमसी पक्षर जो का नोटिस करतापर आज राजरास्त उत्कल यूनिवर्सिटी छात्र छात्री मैंने आसी बसी दिन दसटारु पाखापाखी यूनिवर्सिटी गेट पाखे गोटे विराट बड़ राली रे आसी जदि कहणी विहार से अटके पूरा रास्ता घाटे गाड़ी मोटर को बंद कर देर जहाँ दाबी रही कि जदि इलेक्शन करल सिनेमा हल सबकि खोल जाए कौन पर यूनिवर्सिटी छात्र छात्री मानक जी हॉस्टल बाहर करने बीएमसी तरफ निर्देश दिए के छात्र छात्री अच्छा से सीधा साल प्रतिक्रिया ना दाबी रही देखु आमर आज दाबी रही कि आम शिक्षानुष्ठान हॉस्टल खोल जाऊ एवं शिक्षानुष्ठान खोल रहा पिला पाठ प्रति कौन सी प्रकार अवहेला सरकार न करूँ आम मैंने कोविड नियम मानि चलू एवं शिक्षानुष्ठान कोविड नियम पालन कर पाठ पढ़ू अनावश्यक भाव में शिक्षानुष्ठान बंद करवा आमर शिक्षानुष्ठान को बंद करने को आम विरोध एवं शिक्षानुष्ठान कोविड नियम पालन कर खोल रहा यह आम आज दाबी रही आम चाहूँ आमर दाबी बहुत जल्दी पूरण हो आमर क्यारिययर प्रति यह गोटे प्रश्नवाचक सूचक हो रही जाए जदि सरकार यह प्रति पदक्षेप ना भविष्य में तीव्रु तीव्रतर आंदोलन हम यह आज आम दाबी रही आमर दाबी रही आम प्रथम लॉकडाउन रे घरे दस मस काटिकी आसलु ये पुणी तीन मस क्लास कि ना पुणी बंद होगा बसीच आम एग्जाम केमी देवु पाठ केमी पढ़ू ये किसी स्वप्न नहीं उत्कल विश्वविद्यालय को आसीलु घर को एमती फेरी जावाक नुहे पिपिली इलेक्शन तो हूँ ना इलेक्शन बंद कर दिखाँ जब करोना हो सपिंग मल खोला अच्छी मद काउंटर खोला अच्छी फिल्म हल खोला अच्छे सब किसी ना कि बाणी विहार ही केवल करोना हो प्रथम दाबी हॉस्टल के छाड़ू ना हॉस्टल आम हॉस्टल ही रही आंदोलन आहुरी तीव्रतर हम आम आंदोलन जारी रखी आसी ना प्रशासन निद ही भांगी कहीं भी आसी ना शुणुते अलग छात्र छात्री अच्छे सीधा सख्त प्रतिक्रिया ना जो मैंने बसी कौन रही देखो आम जो स्वप्न नहीं आसती उत्कल यूनिवर्सिटी की एबे आम हॉस्टल एडमिशन सर एबे बीएमसी तरफ नोटिस आसी उत्कल यूनिवर्सिटी की केबे हॉस्टल बंद कर दि जाऊ एबे जस्ट एडमिशन होमें केमी हॉस्टल एडमिशन करके भी हॉस्टल छाड़ दे पाइलु आम जो स्वप्न नहीं आसूँ देखो शिक्षानुष्ठान आम जो राज्य सरकार गोटे प्रश्न पचारूँ कि शिक्षा आग ना निर्वाचन आग आपड़ी 20,000 लोक मिसिक निर्वाचन करेंगे तेज शिक्षानुष्ठान कौन डरुँच शिक्षानुष्ठान कौन आज पर्यटन खोला मद दोकान खोल पर दोकान खोल बस भर्ती हो लोक मैं जी सिनेमा हल खोल कि शिक्षानुष्ठान कौन बंद रखिंट तेणु आम दाबी हॉस्टल बंद न रहू आम हॉस्टल पाठ पढ़ू आम उत्तीर्ण हूँ उत्कल यूनिवर्सिटी देखो आम आज राजधानी राजरास्त ओह्लैचु जदि आम दाबी पूरण न हुए आम राजरास्तार ओह्लैबू ना आम ये बस पाठ पढ़ू हॉस्टल में बस कौन आम कोरोना हम जब कोरोना होती भैक्सीन कहीं दौना जब भैक्सीन न देवे आम आज राजस्थान ये पाठ पढ़ू ये आम उठबू ना निर्मय आप शुणुते छात्र छात्री मान दाबी रही कि से बसिक राजरास्त पाठ पढ़े हॉस्टल बंद न होगापी से प्रतिबाद छात्र छात्री दाबी रही हॉस्टल बंद न हो कारण आम मान दिमास अच्छी जदि हॉस्टल बंद हो फ्यूचर रहा जदि सरकार को ये चिंता ताले यूनिवर्सिटी वैक्सीन जोगांतु बाहर वैक्सीन बंटा हो आमर ये कौन नहीं दौना टेस्ट भी कराऊनि आम चाहूनु बंद हो आम घर को जाऊ आ पढ़ा आम ऑनलाइन क्लास भी सफिशिएंट नुहे जेहेतु अधा जगह नेटवर्क आसुनि तो आम ये रही पढ़ी यूनिवर्सिटी एग्जाम दे कि घर को यहाँ आम दाबी हॉस्टल खाली न करा जाऊ कहीं दि मस रही अलरेडी 10 मस लॉस कर सारी
ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ପ୍ରପର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ଏଇଟା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ ଦିନ ଛୁଟି ଥିଲା ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୋଭିଡ ହେଉନି ମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଛାତ୍ର ହେଉଛି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏଇଟା କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ? ସବୁ ଘରେ ରହିକି ଛାତ୍ର ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବେ? ଆମେ ବି ହଷ୍ଟେଲ ଲୋକକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି, କୋଭିଡ ରୁଲ ମାନରେ ଆମେ ହଷ୍ଟେଲ ରହିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଚିନ୍ମୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଉଠିବେନି, ଯଦି ବିଏମ୍ସି ସବୁକୁ ପରମିଶନ ଦେଉଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି ହଷ୍ଟେଲରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଦାବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଉଠିବେନି ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି କରୋନା ବଢ଼ୁଛି ତେବେ ହଷ୍ଟେଲରେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ, ନୁହେଁକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତେଣୁ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବି ଜରୁରୀ, ବିନା ଶିକ୍ଷା ବିନା ଆମେ ଏଠି ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଆମର କ୍ଷତି ହେବ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ରହୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଉଠିବେନି ଏବଂ ସେମାନେ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଚିନ୍ମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଚିତ୍ର ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଚିନ୍ମୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ବା ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରୁ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଷ୍ଟେଲର ଅନ୍ତେବାସୀ ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସବୁକିଛି ଖୋଲା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଖୋଲା ରହିଛି ଏବଂ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହୁଛି, ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ କାହିଁକି ସରକାର ଏଭଳି ମନୋଭାବ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆଉ ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ।